दूसरी तरफ वन अधिकार के साथ साथ सबसे ज्यादा जो जरूरी है कि आर्थिक रूप से कैसे संपन्न बनाया जाए। तो जो कृषि कार्य में हमारे आदिवासी भाई लगे हुए उनको किसी ऋण का भी लाभ मिला, ऋण माफी की भी लाभ मिला, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी शुरुआत की उसका लाभ मिला। अब 9000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हम लोग इनपुट सब्सिडी दे रहे हैं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना उसका लाभ उठा रहे हैं। उसके साथ साथ लघु उपज खरीदी 65 प्रकार के हम लोग कर रहे हैं, पहले 7 प्रकार की होती थी अब 65 प्रकार। तेंदू पत्ता जहाँ 2500 था वो 4000 प्रति मानक गोरा किया गया, तो आदिवासियों के आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार हुआ है, चाहे बस्तर अंचल हो चाहे सरगुजा अंचल हो, सभी जगह आर्थिक सुधार देखने को मिला है। और यही कारण अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सरगुजा बस्तर का दौरा मैंने किया, दो ही मांग हमारे साथियों ने किया। पहली बात है स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोली हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, और दूसरा बैंक खोली। बैंक खोलने का मतलब क्या है? सीधी बात है कि आदिवासियों के जेब में पैसा आ गया है, अब वो बैंक में जमा करना चाहते हैं या बैंक से पैसा सरकार जो जमा करती है खाते में उस दूर जाना पड़ता है तो पैसा निकालने के लिए ज्यादा जरूरी है बैंक हमारे नजदीक हो। ये परिवर्तन आया है।